ट्रेन में सफर करने वाले मुफ्तखोर पुलिस कर्मियों पर गिरेगी गाज, रेलवे करेगा सख्त कार्यवाही, डीजीपी को लिखा खत। ट्रेन में सफर करने वाले मुफ्तखोर पुलिस कर्मियों पर गाज गिरेगी। जी हां, इसकी तैयारी चल रही है। चुनाव के दौरान भी ड्यूटी पर जाते और आते समय ट्रेन में बिना टिकट सफर करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ रेलवे सख्त कदम उठाएगा। बिना टिकट चलने वाले पुलिस कर्मियों से न केवल पेनल्टी वसूलेगा बल्कि कानूनी कार्यवाही भी करेगा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने इसके लिए बकायदा राजस्थान सहित 5 राज्यों के डीजीपी को पत्र लिखकर कार्यवाही की चेतावनी दी है। कानून व्यवस्था के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस बल इधर से उधर जाता है। इस दौरान पुलिस कर्मी बिना टिकट ट्रेनों में चढ़ जाते हैं। पुलिस कर्मी सभी मेल और एक्सप्रेस के एसी स्लीपर क्लास में भी घुस जाते हैं। इससे कोच में बैठे यात्रियों को परेशानी भी होती है। कई बार यात्रियों, रेलवे कर्मियों और पुलिस कर्मियों में झगड़े की नौबत तक आ जाती है। पिछले साल राजस्थान में करीब आधा दर्जन मामलों में तो पुलिस में केस तक दर्ज हो चुके हैं। इधर यात्रियों से मिली शिकायत के आधार पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर विपिन कुमार सिंह ने राजस्थान सहित 6 राज्यों के पुलिस मुखियाओं को पत्र लिखा है। रेलवे का आरोप है कि चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों से टिकट मांगा जाता है तो वो अपनी आईडी कार्ड दिखाकर रौब छाड़ते हैं। पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए जाएं कि वो यात्रा के दौरान मांगने पर वैध टिकट, अधिकृत अनुमति या पास दिखाएं। अब यदि पुलिसकर्मी बिना टिकट पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। रेलवे नियमों के अनुसार उनसे पेनल्टी वसूल कर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। तो इसी तरह की और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एसबीटी न्यूज और बने रहिए हमारे साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।